हे फूडीज, वेलकम टू माय चैनल कुक विद एसएस। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यम्मी रेसिपी चीजी अनियन रिंग्स। ये एक पार्टी स्टार्टर है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है क्योंकि इसमें चीज डला हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस इजी रेसिपी को घर पे कैसे बनाते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन दबाएं न्यू वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले हम प्याज को गोल इस तरीके से काट लेंगे और उसके बाद इसे अलग अलग करके रख देंगे, और जो बीच का बचा हुआ पोर्शन है उसे आप सब्जी में यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से सबको अलग कर लेंगे और इनका पेयर बना लेंगे। पेयर्स हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि हम पहला वाला सर्कल लेंगे और सेकंड वाले सर्कल को हम हटा देंगे, और इसके बाद हम इसके बीच में थर्ड सर्कल रखेंगे। अब मैंने लिया है चीज, मैंने मोजरेला चीज यूज किया है जिसे स्लाइस में मैंने काट लिया है पतला पतला, और उसे हम इस तरीके से कॉर्नर्स पे लगा लेंगे, और उसके बीच में हम रख देंगे हमारा थर्ड सर्कल और उसे इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और सारे सर्कल्स को तैयार कर लेंगे। अब हम एक बोल में कॉर्नफ्लावर लेंगे और जितने भी हमने सर्कल्स रेडी किए हैं उन्हें अच्छे से इसमें कोट करके रख देंगे। अब हम एक बोल में लेंगे आधा कप मैदा, उसमें ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और अब इसमें पानी डालकर इसका एक अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए घोल की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इन्हें घोल में डिप कर लेंगे और डिप करने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे। कोट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसमें इसे डाल दीजिए और इस तरीके से शेक कर लीजिए। अब हम इसे निकाल कर फिर से एक बार और घोल में डिप कर लेंगे, और डिप करने के बाद हम इसे फिर से ब्रेड क्रम की कोटिंग करेंगे। इस रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, और मैं इसमें ब्रेड क्रम की रेसिपी का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी। अब हम इसे निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से सारे सर्कल्स को तैयार कर लेंगे। बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसे एक घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। एक घंटे बाद हम पैन में तेल डालकर इसे गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा फर्स्ट अनियन रिंग। हम इसे इसी तरीके से पकने देंगे और बीच में इसे हम इसी तरीके से चलाकर इसे पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए, और अब हम इसमें दूसरा अनियन रिंग भी ऐड करके इसे पका लेंगे। ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो इसे अब हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, ये हम इसे प्लेट में रख लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स कितना इजी है इसे घर पे बनाना। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।